अब निवेदन कर रहा हूं केलकर बंधुओं से, श्री अजित शरद केलकर और श्री रवि शरद केलकर, जिन्हें कृषक मित्र कहा जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं है। इनके पहनावे, इनकी वेशभूषा को देखकर आप इन्हें कृषक मानने से संभवतः इनकार कर सकते हैं, लेकिन ये संपन्न कृषक केलकर बंधु, जो कि माता पिता आपके चिकित्सक हैं और आपकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई, उसके बाद आप दोनों ने इंदौर कृषि महाविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की। सन 2000 में आपने पर्यावरण मित्र गौ आधारित जैविक कृषि के क्षेत्र में काम शुरू किया और 20 सालों में आपने 500 गांवों में 50,000 किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित किया। आपकी परिकल्पना आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था को स्थापित करना है। हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और बहुत ही गर्व के साथ दखल प्राइड अवार्ड 2021 आपके हाथों तक पहुंचाकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत आभारी हैं जो इस अवार्ड के लिए हमें चुना गया, और हम दोनों बंधु पिछले 20 वर्षों से गौ आधारित खेती के ऊपर काम कर रहे हैं और देश भर में अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारा स्वयं का भी खेत है और जहां बिना जहर की खेती से अभी जो गेहूं है कटाई के पहले से ही बुकिंग हो चुकी है उसकी। और कुल मिलाकर जब MSc कृषि करने के बाद आमतौर पर हमारे कॉलेज के बच्चे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री या सीड इंडस्ट्री में जाते हैं। हम दोनों भाई के माता पिता MBBS डॉक्टर हैं और हमने निर्णय लिया कि हम सीधे किसानों के बीच में जाकर समझेंगे। और मैं चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट था तो मुझे ज़्यादा गर्व था कि मैं पढ़ाई ज़्यादा कर चुका हूँ, लेकिन जब कॉलेज से निकलने के बाद ध्यान में आया कि ये गोल्ड मेडल काम में नहीं आता है। प्रकृति का शिक्षा बहुत सरल और आसान है और खेतों में जाकर समझ में आती है। और प्रकृति देवता को बचाने का कार्य अर्थात भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, इस भगवान को बचाने का काम पिछले 20 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम सबका ईश्वर एक ही है इसी संकल्प के साथ। और अन्नम परब्रह्म, अन्न ही ईश्वर है। इस अन्न को कैसे शुद्ध बनाया जाए और हमारे मानव समाज को कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों भाइयों को देखकर आपको कहीं राजन साजन मिश्र की याद आ रही हो, कहीं से भी किसान नहीं एक अच्छे गायक कलाकार लग रहे। एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें।